क्वेश्चन क्या है देख लो, इसमें दिया है सर्कल सी वन एंड सी टू इच हैव रेडियस वन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1/2। द सर्कल सी थ्री इज द लार्जेस्ट सर्कल इंटरनली टेंजेंट टू द बोथ सी वन एंड सी टू। डायग्राम थोड़ा अच्छे से देख लो, पहले देख लो यहाँ पे सी वन एंड सी टू जो सर्कल है, पहले वो कौन से सर्कल से देख लो, ये वाला जो सर्कल है सी वन, दिस इज सी टू, और उनका जो रेडियस है वो वन है। नेक्स्ट, और एक डेटा दिया है कि सी फोर जो है, यहाँ पे जो सी फोर दिख रहा है दिस इज, तो इंटरनली टेंजेंट टू द सी वन एंड सी टू, मतलब इंटरनली टच कर रहा है, और एक्सटर्नली टेंजेंट टू द सी थ्री, और सी थ्री सर्कल के लिए वो एक्सटर्नली टचिंग है, तो अपने को सी फोर का रेडियस लाना है। तो ऐसा गिवन डेटा है, सी फोर मतलब जो स्मॉलर सर्कल है यहाँ पे उसका रेडियस लाना है। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, क्या कंस्ट्रक्शन है देख लो, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोल देंगे। ए इज द सेंटर ऑफ सी वन, सी वन, तो ये जो सी वन जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, वन, और बी जो है, बी भी सेंटर है सी टू सर्कल का, जो सी टू सर्कल है और ये सी वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कंसिडर करेंगे ओ, तो ये पूरा ए बी जो है वो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अपने को रेडियस लाना है, तो उसके हिसाब से अपने को सोचना है कौन सी रेडियस लाना है, सी फोर की रेडियस, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन और बढ़ाया जाएगा, देख लो। इसको कंसिडर कर लेंगे, ये जो सेंटर है सी फोर का उसको पी कंसिडर कर लेंगे, पॉइंट पी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे यस, और यहाँ से ये जो टचिंग पॉइंट है इसको टी नाम दे देंगे। अब थोड़ा ज्वाइनिंग कर लेंगे, इसको क्यू नाम दे देंगे, ठीक है। चलो, तो जो रेडियस है पी क्यू, जो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है उसको आर मान लेंगे, पी क्यू इज आर, ये अपने को लाना है, तो पी क्यू आर है, तो अभी आर लाने के लिए अपन क्या करेंगे, और एक जो है पी से ओ को ज्वाइन कर लेंगे, पी से ओ को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब अच्छे से ध्यान देंगे, तो आपको एक कंडीशन में बता देता हूँ, ट्राइंगल पी ए ओ अच्छे से देख लो, ट्राइंगल पी ए ओ जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें अपन पहले पी ए का वैल्यू ला लेंगे, तो पी ए कैसे मिलेगा देख लो, पी ए इज इक्वल टू पी क्यू माइनस, सॉरी, पी ए जो है ए क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है, देख लो अच्छे से, ये जो ए क्यू है उसमें से पी क्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ए क्यू जो है, ए क्यू का वैल्यू कितना है, आपको क्लियर डायग्राम से समझ रहा होगा कि ए क्यू जो है वो जो सी वन सर्कल है उसका रेडियस है, तो वो वन होगा, ए क्यू वन है, और पी क्यू को अपन ने आर कंसिडर कर दिया है, तो पी ए आ गया 1 - r, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट, पी ए आने के बाद अब अपन लाएंगे ओ पी, ओ पी कैसे मिलेगा देख लो, ओ पी इज पी एस प्लस ओ एस, पी एस इज ऑल्सो स्मॉल आर,
और OS जो है वो अपन ला लेंगे अभी, ठीक है। अब OS कैसे मिलेगा, देखो OS जो है वो C3 सर्कल का रेडियस है, C3 जो सर्कल है बीच में जो सर्कल दिख रहा है ये उसका रेडियस है, ठीक है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि OS कैसे मिल सकता है, वीडियो को पॉज करो 1-30 सेकंड के लिए और सोचो कि कैसे मिल सकता है। देख लो अब OS कैसे मिलेगा, OS इज OT, ठीक है। OS इज OT, तो OS इज OT तो अपन पहले ला लेंगे OT। OT कैसे मिलेगा, देख लो AT-OA, करेक्ट। देख लो AT-OA, आप अच्छे से डायग्राम देख लेंगे तो आपको भी समझ जाएगा। AT ये पूरा AT है, उसमें से मैंने OA माइनस कर दिया तो OT मिल जाएगा। चलो तो OT इज इक्वल टू, सर AT का वैल्यू कितना रहेगा बेटा, AT जो है वापस से क्या है, C1 जो सर्कल है उसका रेडियस है। C1 जो है देख लो, ये जो AT है वो C1 सर्कल का रेडियस है, तो वो रहेगा 1। और OA का वैल्यू कितना है सर, 1/4, तो 1-1/4 आ जाएगा 3/4। OT का वैल्यू अपने पास आ गया है और OT का एक इक्वल है, देख लो OT ही OS है, OT और OS इक्वल है, तो OS के जगह पे अपन लिख देंगे R+OT एंड दैट इज इक्वल टू R+3/4। तो अपन ने OP का वैल्यू ला लिया है, ठीक है, OP का वैल्यू अपने पास आ गया है। सर अब OP का तो वैल्यू आ गया है और PA का वैल्यू अपने पास आ गया, तो उसको कलर कर दो। देख लो ये PA और OP ये वैल्यूज अपने पास आ गए हैं। सर अपने को लाना है स्मॉल आर, C4 जो सर्कल है उसका रेडियस लाना है, तो अब अपने को मिल जाएगा कैसे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ट्राइंगल बताया था, ट्राइंगल कौन सा, PAO, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि वहां पे अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएंगे, देख लो वहां पे PAO ट्राइंगल को लगा दो, तो कलर कर दो, देखो ये दिख रहा है। यस सर, देखो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको अपन फटाफट सॉल्व करने के जगह पे अच्छे से समझ के सॉल्व करो। अब अपन वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने आपको हिंट दे दी है कि PAO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो वो क्या आ जाएगा, देख लो PA² इज इक्वल टू आ जाएगा PO² + OA² बराबर है। चलो अब अपन इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो अपने को R मिल जाएगा, PA का वैल्यू है अपने पास 1-R का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू OP का वैल्यू कितना है, देख लो R+3/4 का होल स्क्वायर, फिर OA का वैल्यू सर 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये अपन ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAO। वीडियो को पॉज करो 1-30 सेकंड के लिए, कैलकुलेशन करो और देखो क्या आंसर आता है, नहीं आंसर मिल रहा होगा तो चेक कर लो। हाँ तो ये आ जाएगा 1-2R+R² इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा R² + 2×R×3/4 + 9/16 + 1/16। R² कैंसिल, अब थोड़ा कैंसिलेशन कर लेंगे, 1-2R यहाँ पे आ जाएगा 3R/2, यह आ जाएगा 10/16। चलो अब अपन R को एक साइड में भेज देंगे, 3R/2 + 2R यहाँ पे आ जाएगा 1-10/16, तो यह आ जाएगा 6/16, यहाँ पे आ जाएगा 3R+4R/2 दैट इज 7R/2 एंड दिस इज 6/16, तो ये हो जाएगा 3/8। अब अपन फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे, 3/8 इधर आ जाएगा 2/7, तो रेडियस अपने को मिल जाएगा, देख लो ये 2 से कैंसिल आउट, 3/12
28, 3/28, ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। चलो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही जो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन है मैं अपलोड कर रहा हूँ, चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक यू।